मोहन कॉलोनी में रहने वाले लोग भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जलदाय विभाग द्वारा 6 महीने पहले डाली गई पाइपलाइन में से मात्र 3 दिन पानी की सप्लाई की गई है, लेकिन उसके बाद आज तक नलों में पानी नहीं आया। जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने प्रशासन के अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। के लिए बहुत परेशानी समस्या है, लाइन बिछ चुकी है पानी, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया लाइन में। हमने पर्ची कटा रखी है और कनेक्शन भी ले रखे हैं, लेकिन अभी तक 6 महीने तक हुए, लेकिन पानी अभी लाइन में नहीं आ रहा है। और इसके लिए हम प्राइवेट टैंकरों से जवा रहे हैं, 5-5-6 हज़ार रुपये कॉलोनियों खर्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो प्रशासन ने हमारे पानी की समस्या पर कुछ ध्यान नहीं दिया है। एडीएम साहब से मिले हैं और जी साहब से कई बार मिले, आसपास से मिल जाता है, बस उसके बाद कुछ नहीं होता है। विकट समस्या था कॉलोनी में, आज करीब कॉलोनी की बसावट को आप 93 से बसी हुई है, करीब आपके 25-30 साल के समथिंग हो गई, और करीब 24 साल बाद कॉलोनी में लाइन बिछाई गई थी। काफ़ी अथक प्रयास के बाद में, शरीर की कड़ी मेहनत के बाद में 4 दिन केवल एकमात्र टेस्टिंग हुई थी, टेस्टिंग के दौरान 4 दिन पानी आया था मात्र, उसी के बाद में प्रशासन के द्वारा लाइन बंद कर दी गई है। आज तक 6 महीने से लगातार हम प्रयासरत हैं, ज्ञापन भी दे दिया, 2-3 बार पर्सनल जाकर सभी ने अपने कॉपी एक एक दे चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल अपने कल तारीख 25 में अपने जिला कलेक्टर महोदय कार्यालय गए थे, वहाँ उनका स्वागत समारोह राजाखेड़ा में था, इसलिए उनके अभाव में हम एडीएम साहब तोमर साहब को दे के आए थे। उसके बाद वो कॉपी जीएम साहब के कार्यालय में पहुँचाई गई थी, वहाँ से फिर आश्वासन मिला है 6 दिन का। हमें यहाँ से बहुत परेशान है, हम जो दूर दूर से ला रहे हैं, 2-3 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा परेशान है, छोटे छोटे बच्चा है और घर में बड़े बूढ़े हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा ही परेशान है। हम कैसे बच्चन ने पाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, स्कूल जाए में परेशानी दिक्कत है, क्यों सब दिन हम पानी में लगते रहते हैं, बच्चे लगते रहते हैं, पेपर देने कैसे जाए, लेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी। घर में बुजुर्ग परेशान है हमारे, हम भी परेशान हैं, और टैंकर डरा चुके हैं बहुत, 4-5 हज़ार के टैंकर डरवा ले, टैंकर वाले क्या 28 लीटर पानी को एक घर वाले कैसे डरवा सकता है, जो भी साथी हो जाए जो तो डर जाता है, नहीं होता बैठा रहता है, परेशान है हम बहुत ज्यादा। और अगली खबर है भरतपुर से, जहां पर विकासपुर नगर विधायक वाजिब अली व डॉक्टर आरएफ प्रधान जी नगर साथ में ग्राम पंचायत भटपुरा व सादपुरी के गाँव पुठका लादियाका भटपुरा उदयपुरी और सादपुरी में जन सुनवाई की, समस्त जनता की समस्याओं को सुना है और तुरंत ही निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया है। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिले की रावतसर पुलिस ने कृषि जिंसों की चोरी करने वाले मास्टरमाइंड गैंग के 7 सदस्यों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 200 कट्टे ग्वार बरामद किए हैं और पुलिस 7 आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, पुलिस ने सभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। जी, माह फरवरी 2022 में मनोज कुमार बाट निवासी रावसर द्वारा अपने गोदाम से ग्वार चोरी होने बाबत मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिस पर टीम गठित की गई और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डाटा आदि विश्लेषण किया गया, और इसी दौरान 7 मुलजिमान को जो भट्टू क्षेत्र के रहने वाले हैं अधिकतर, उनको गिरफ्तार किया गया और इनसे 200 कट्टे ग्वार बरामद किए गए हैं और अभी अनुसंधान जारी है। इसमें जो शरीक मुलजिमान है उनकी भी तलाश के लिए टीमें भेजी गई हैं और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाए। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के सलेमपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ही पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस थाने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और पुलिस जाँच में जुट गई है। अरे आप अरे मैंने कामन दिए।
जी लेटरिंग करवे गए, हम पानी लेटरिंग करवे गए, दूसरी जगह जी लेटरिंग करते हुए मतलब बिकते बिकते दोनों रंग थे, घर के पीछे हमारे घरे गए बोले 10-20-50-40 आदमी है लड़िया ले लेते जी बोला लेटरिंग करवे गए, हमें अंदाज नहीं था अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर रावतसर तहसील की ग्राम पंचायत खोड़ा के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रशासन गांवों के साथ अभियान के तहत शिविर प्रभारी रावतसर उपखंड अधिकारी शिवा चौधरी की अध्यक्षता में फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत खोड़ा भेरोसरी खेदासरी व 99 आदि ग्रामीणों के विभिन्न प्रकरणों को निस्तारण किया गया है व विभिन्न जनसमस्याओं का समाधान भी किया गया है। इस दौरान रावतसर तहसीलदार उमा मित्तल, रावतसर बार संघ उपाध्यक्ष सुरेंद्र हुड्डा, सरपंच चेतराम वर्मा, धनराज सिहाग सहित रावतसर ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। और अगली खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह मेहरड़ा ने बताया कि भाखड़ा का रेगुलेशन 28 मई की सुबह से लागू कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि भाखड़ा को 28 मई से सिंचाई के लिए 1200 क्यूसिक पानी मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले शुक्रवार 27 मई को भाखड़ा में 350 से 400 क्यूसिक पानी पेयजल के लिए चलाया जाएगा। और मेहरड़ा ने बताया कि 26 मई को दोपहर 3:30 बजे हरिके से 8000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिसका प्रभाव कल शाम तक भाखड़ा के लिंक इंदिरा गांधी फीडर के आदि 496 पर आ जाएगा और उससे पॉइंट पूरा करके 28 की सुबह भाखड़ा का रेगुलेशन लागू कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए 1200 क्यूसिक पानी मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बैठक बीबीएमबी के चेयरमैन की अध्यक्षता में आयोजित होगी। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर की साधारण सभा की तीसरी बैठक महापौर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई है और जिसमें आयुक्त एवं सचिव महेंद्र सोनी, अतिरिक्त आयुक्त डॉ प्रवीण कुमार सहित तमाम अधिकारी एवं पार्षद मौजूद रहे। तीन प्रमुख एजेंडों को लेकर साधारण सभा की बैठक में चर्चा हुई। अब वार्डो के विकास के लिए 50 की जगह 80 लाख रूपये मिलेंगे। बैठक के बीच में ही कांग्रेसी पार्षद ओम प्रकाश रनवा और भाजपा पार्षद के बीच में नोकझोंक हो गई। दरअसल कांग्रेस पार्षद भाजपा पार्षद को कहा बीच में चपड़ चपड़ नहीं करो, इस पर भाजपा पार्षद कांग्रेसी पार्षद को मारने के लिए दौड़े। बाद में महापौर सौम्या गुर्जर ने पूरे मामले को शांत कराया है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक मामूली से कमेंट को लेकर विवाद शुरू हो जाता है भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच में, जिसके बाद खुद महापौर को बीच बचाव कराकर इस पूरे मामले को शांत कराना पड़ता है। अगली खबर करौली से है, जहां पर टोडा भीम ग्राम पंचायत नांगल शेरपुर ग्राम पंचायत कटारा अजीज के गांव सालिमपुर में 11 किलो विद्युत लाइन का फॉल्ट ठीक करने के समय करंट लगने से विद्युत कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह लगभग 9 बजे सालिमपुर गांव में विद्युत लाइन का फॉल्ट निकालते समय नांगल शेरपुर निवासी विद्युत कर्मी शौकत अली खान करंट लगने से घायल हो गया, जिसे बालघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है।